कालचिनी विधानसभा क्षेत्र को निम्ति घोषित प्रार्थी विशाल लामालाई हटाएर भाजपा को सूची में रहेको संगठन को अन्य कसैलाई प्रार्थी दिनुपर्ने दाबी में अडिग रहँदै आज पनि कालचिनी विधानसभा क्षेत्र को 8 नंबर मंडल कमिटी का 74 वटा बूथ का समर्थक औ कार्यकर्ताहरूलाई लिएर आज भाजपाले कालचिनी स्थित पार्टी कार्यालयलाई ताला लगाए बाहिर एउटा बैठक सम्पन्न गरिएको छ। तो मीटिंग हुआ, मतलब जितना भी हम लोग का बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, मंडल लेवल का जो भी कार्यकर्ता है, सभी लोग आज उपस्थित थे। सभी ने हाईकमान का जो ये फैसला है, ये फैसला को मानने से इनकार कर दिया। और अभी सभी का कहना है कि जब तक पार्टी हाईकमान निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का दुख दर्द समझ के फैसला नहीं करता है, तब तक पार्टी ऑफिस बंद रहेगा और बीजेपी से बैर नहीं, उल्टा पुल्टा करने वालों का खैर नहीं। ये सिद्धांत लिया गया जी। और तो अब क्या क्या सिद्धांत है आप लोगों का, कोई पुतला दहन का प्रोग्राम भी है? ये आज ये सब होने वाला था, लेकिन पार्टी डिस्ट्रिक्ट कमेटी से हम लोगों को एक अभी निर्देश आया है कि अभी दो दिन तक का अल्टीमेटम स्टेट कमेटी को दिया गया है। अगर स्टेट कमेटी इस दो दिन में सभी निम्न स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मान न रखते हुए अगर फैसला सुनाता है तो आगामी दो दिन के बाद में ये पार्टी के इस फैसले के विरोध में व्यापक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, पुतला दहन भी किया जाएगा या उल्टा पुल्टा करने वालों का। आज से क्या आप लोगों का पार्टी जहां मंडल का पार्टी ऑफिस क्या बंद रहेगा ना? हाँ, अभी पार्टी का सभी कार्यकर्ताओं का निर्णय यही हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तक स्टेट लेवल से या सेंट्रल लेवल से जब तक सभी का निम्न स्तर के कार्यकर्ताओं का विचार को मद्देनजर रखते हुए फैसला नहीं आता है, तब तक पार्टी कार्यालय बंद रहेगा, कोई भी सांगठनिक गतिविधि नहीं चलेगा और बीजेपी से बैर नहीं, उल्टा पुल्टा करने वालों का खैर नहीं।